Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to the first video of my birthday month. तो मैंने डिसाइड किया है टू लाइक डू अ बर्थडे सीरीज़. सो आज से लेके मेरे बर्थडे तक, दैट इज़ ऑन 12th of February, मैं रोज़ एक वीडियो पोस्ट करूँगी एट 6 PM. सो स्टे ट्यून्ड, अपने रिमाइंडर सेट कर लो डेली 12 दिन तक 6 बजे मुझे देखने के लिए. सो आज है हमारे बर्थडे सीरीज़ की पहली वीडियो एंड इट इज़ गन बी क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड न्यू ऑन दिस चैनल. तो आप देख सकते हो इन माई किचन, सो इट विल बी अ कुकिंग वीडियो but no simple cooking video. I will be trying out viral TikTok recipes. Not TikTok, अभी Instagram और Shorts पे भी वही viral हो रही है. And like, oh my God, जो viral recipes हो रही है, मुझे समझ भी नहीं लगता कि लोग कहाँ कहाँ से ये ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं ideas. But like, they are crazy. So yeah, अगर आप interested हो इस video को देखने में तो do watch it till the very end. But अगर आप नए हो मेरे channel पे, so please take out a moment and hit that red subscribe button. Consider it a birthday gift to me. And yeah, without any further blabbering, let's just dive right into the video. Okay, तो मेरे पास यहाँ मेरी notebook पे 5 viral recipes लिखी हुई है जो मैंने search करी थी on Instagram and YouTube. और मैं काफ़ी टाइम से देख भी रही थी, तो मैं इनको सेव करके रख रही थी. आई वॉन्टेड टू ट्राई देम, बट अभी मैं वीडियो कर रही थी तो मैंने सोचा कि इन्हीं को ट्राई कर लेते हैं. आई हैव 1 स्वीट रेसिपी, 3 सेवरी रेसिपीज एंड एक ड्रिंक है. तो मैं अभी वो ड्रिंक और जो मेरी फर्स्ट सेवरी रेसिपी है वो मैं अभी बनाऊंगी. अभी अराउंड 11:30 हो रहे हैं और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया बिकॉज मैं ये वीडियो बना रही थी. तो मैंने सोचा कि आई विल हैव दिस ओनली. तो मैं रेसिपी यहाँ पे लगा दूंगी. आप देख सकते हो ये टिकटॉक वायरल जो हुआ था. एंड ये जो रेसिपी है काइंड ऑफ सिमिलर, हम लोग अपने घर पे बनाते रहते हैं, बट इन लोगों ने ऐसा रैप के शेप में बनाया, हम लोग टाको के शेप में बनाते हैं. तो जब भी कोई मतलब सब्जी होती है, मेरा मन नहीं कर रहा होता खाने का, तो रोटी पे मेयो लगा के एंड देन आई फिल इन द सब्जी एंड चीज़ डाल के उसको सेक लेते हैं पूरा दोनों साइड से. तो ये रेसिपी आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. सो बट स्टिल काफ़ी वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर ही लेते हैं. फॉर दिस रेसिपी यू नीड द लेफ्ट ओवर रोटीज़. ये लेफ्ट ओवर नहीं है, मैंने अभी अभी बनाई है बिकॉज लेफ्ट ओवर थी नहीं. देन आई हैव मेयोनीज. मैं वेज मेयो प्लेन वाली नहीं खाती, सो आई हैव द तंदूरी, नहीं ये बर्गर वाली है. देन आई हैव केचप, सम वेजीज एंड दिस इज़ द लेफ्ट ओवर सब्जी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. बट आई विल मेक वन विद दिस एंड वन विदाउट दिस. एंड ऑल्सो यू विल नीड चीज़ फॉर दिस, बट दिस इज़ ऑप्शन. अगर आपको चीज़ नहीं पसंद तो आप बिना चीज़ के भी बना सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट मेकिंग इट. एंड आई जस्ट सॉ की रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बट यहाँ से आप लोग देख लो. तो मैंने रोटी को यहाँ से कट करके एंड देन 1/4 में मैंने सॉस और मेयो लगाई है. देन ऑन द अदर 1/4 आई विल पुट इन सम वेजीज. आप अपने पसंद से कोई भी वेजीज डाल सकते हो, बट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डाली है बिकॉज मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं है. एंड देन कोई भी लेफ्ट ओवर सब्जी दैट यू हैव, मुझे ये वाली रेसिपी सबसे ज़्यादा पसंद है आलू एंड फ्रेंच बीन्स की सब्जी के साथ. बट अभी ये हरी सब्जी है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल मैं ये लगा लूँगी. एंड देन आप इसमें चीज़ डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है, मैं तो डालूँगी बिकॉज मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है. सो आई हैव पुट इन थोड़ा सा चीज़ एंड इसके बाद आपको इसको इस तरीके से फोल्ड करना है. फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड एंड देन द थर्ड फोल्ड. सो ये कुछ इस तरीके का रैप बन जाएगा. क्लियरली मैंने काफ़ी ज़्यादा केचप डाल दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेती हूँ. तो अब आपको अपने इस रैप को तवे पे सेक लेना है दोनों तरफ से अंटिल इट इज़ गोल्डन ब्राउन. थोड़ा सा लो फ्लेम पे ही करना. तो मैंने इसमें चीज़ डाला है, तो मैं इसको तब तक सेकूँगी जब तक मेरा चीज़ मेल्ट ना हो जाए. एंड दोनों ही तरफ से इसको सेकना है. एंड आई लव दिस सिजलिंग साउंड. एंड आई नो मेरा कैमरा एंगल बहुत ज़्यादा वियर्ड हो रहा है बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे किचन में कुछ शूट कर रही हूँ, कुकिंग एंड ऑल. तो मैंने इसीलिए यहाँ साइड में लगाया हुआ है कि इधर क्या चल रहा है. सो यू कैन वॉच बोथ द POVs एंड आई विल ट्राई टू यू नो फिक्स दिस कैमरा एंगल का सिचुएशन. बट दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, सो प्लीज़ बेयर विद मी. सो ये हो गया है रेडी एंड कुछ ऐसा दिख रहा है. ये दिखने में तो काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है बिकॉज ऑफ द चीज़ एंड एनी वेज आई नो हाउ इट वुड टेस्ट, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बस शेप अलग है, बाकी ये हमारे घर पर बनता ही रहता है.
एग्जैक्टली एज एक्सपेक्टेड, बहुत ज़्यादा टेस्टी है. दिस इज़ द परफेक्ट वे टू ईट योर रोटी एंड सब्जी. अगर आपको वैसे पसंद नहीं आ रहा है, बट मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बीन्स की सब्जी या फिर प्लेन आलू की सब्जी के साथ, बहुत अच्छा लगता है. बट आप इसको ऐसे भी बना सकते हो. ये वाला मैंने बनाया विदाउट एनी सब्जी, सो इट इज़ लाइक अ सैंडविच इन अ रोटी. बहुत ज़्यादा टेस्टी है. आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 10/10 ऑब्वियसली, क्योंकि ये मैं वैसे भी खाती रहती हूँ एंड इट इज वन ऑफ माई फेवरेट ब्रेकफास्ट. अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो जरूर इसे ट्राई करना एंड मुझे कॉमेंट्स बताना कि आपको कैसा लगा. सो फर्स्ट रेसिपी वॉज अ हिट. अब मैं ट्राई करने वाली हूँ दूसरी रेसिपी, जो कि मैं ब्रेकफास्ट में करने वाली थी बट बिकॉज मुझे बहुत भूख लगी थी. आप लोग देख सकते हो एंड दिस इज द क्रेजीएस्ट रेसिपी एंड आई एम वेरी वेरी scared to try this because it is like two of my favorite things but mixed together. और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दोनों चीजें साथ में जाएंगी. It is hot chocolate and cheese. Let's try how it tastes, क्योंकि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है एंड इसको आई थिंक कोलंबियन हॉट चॉकलेट बोलते हैं एंड लाइक एवरीबडी इज ट्राइंग बट आई डोंट नो हाउ इट वुड टेस्ट. एंड इसमें मैंने एक दो जगह पे देखा था उन्होंने कुछ येलो वाली चीज यूज की थी, आई थिंक उसे चेडार चीज बोलते हैं, बट मेरे पास मोज़रेला चीज है तो आई विल ट्राई इट विद दैट. सो लेट्स गो. आई हैव माय इंग्रेडिएंट्स रेडी हियर. सो आई नीड मिल्क, चीज, हॉट चॉकलेट एंड हनी बिकॉज आई डोंट यूज शुगर. सो लेट्स स्टार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले मैं मिल्क बॉइल कर लूंगी क्योंकि ये ठंडा हो गया है एंड थोड़े से मिल्क में मैं अपनी हॉट चॉकलेट मिक्स कर लूंगी ताकि ये लम्स फॉर्म ना करे एंड जो दूध गर्म हो रहा है उसमें मैं थोड़ा सा हनी डाल दूंगी फॉर स्वीटनर. आई विल टेक 2 spoons ऑफ हॉट चॉकलेट बिकॉज मैं उतना ही यूज करती हूँ डेली. आई लव हॉट चॉकलेट, मतलब मुझे इतना ज्यादा पसंद है. आप लोग अगर मुझे फॉलो करते हो इंस्टाग्राम पे तो आप देखते होगे कि मैं डेली हॉट चॉकलेट पीती हूँ, या तो सुबह या फिर शाम को. बट आई डोंट नो चीज के साथ कैसा लगेगा. इवन इफ इट इज माई फेवरेट मैं एक रोज तो नहीं पी सकती बिकॉज इट इज नॉट एट ऑल हेल्दी. बट या अभी मेरा मिल्क यहाँ पे बॉइल हो गया है सो आई विल पुट इन माई हॉट चॉकलेट एंड आई विल स्टर इट सो दैट लम्स ना बने इसमें. एंड नाउ दैट माई हॉट चॉकलेट इज रेडी, अब मैं इसमें थोड़ा सा मोज़रेला चीज डालूंगी. आई हैव दिस अमूल का मोज़रेला चीज और मैं थोड़ा सा ही डाल रही हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ इट वुड टेस्ट. अभी मैं इसको थोड़ी देर और बॉइल कर लूंगी ताकि मेरी चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए. ओके, सो आई हैव माय कोलंबियन हॉट चॉकलेट रेडी एंड क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा ही चीज डाला था तो फिर मेरा चीज उतना ज्यादा मुझे दिख तो नहीं रहा है एंड इट स्मेल्स रियली गुड जस्ट लाइक माई यूजुअल हॉट चॉकलेट. चीज का ऐसेज कोई स्मेल तो नहीं आ रही है. थोड़ा सा पहले स्पून से ही टेस्ट कर लेती हूँ बिकॉज इट इज वेरी हॉट एट द मोमेंट. मेरी चीज उतनी ज्यादा अच्छे से मेल्ट नहीं हुई है तो जैसा उसका चीज पुल आ रहा था मेरा वैसा तो नहीं आया है. बट इट डज नॉट टेस्ट वियर्ड एट ऑल, बस ये है कि हॉट चॉकलेट का ही टेस्ट आ रहा है एंड बीच बीच में जहाँ पे भी चीज आ रहा है तो यू आर गेटिंग दैट टेक्स्चर. तो सिर्फ वो टेक्सचर में ही फर्क आया है चीज की वजह से. इट डज नॉट यू नो ऑल्टर्स द टेस्ट एट ऑल, सो आई डोंट माइंड इट. बट ऑब्वियसली आई विल नॉट पुट चीज इन माई हॉट चॉकलेट एवर अगेन. बुरा नहीं है, इट इज ओके. आई वुड रेट इट 5/10 बिकॉज इट टेस्ट ओके बट आई थिंक इट्स यूजलेस. क्यों ही चीज डाल दें अपने हॉट चॉकलेट में. सो अगर आपको ट्राई करना है आप ट्राई कर सकते हो बट ऐसा कुछ अलग या खास है नहीं. सो आई वुड से पास ऑन दिस वन एंड आई विल फिनिश दिस क्योंकि मुझे हॉट चॉकलेट तो पीना है. देन विल मूव ऑन टू आवर थर्ड रेसिपी. मैंने टॉप चेंज कर लिया बिकॉज मैंने हॉट चॉकलेट पीते पीते अपने टॉप पे गिरा दी थी. बट एनीवेज अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड वायरल रेसिपी की तरफ जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी. ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी है. आप लोगों को अगर याद होगा तो थोड़े टाइम पहले एक वायरल चिली मैगी चली थी ना, ये उसी की तरह है. बस इसमें मैगी की जगह पोटैटो से नूडल्स बनाए हुए हैं एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. सो लेट्स गो. सो इस रेसिपी के लिए आई हैव माई पोटैटोज, ये बॉइल करके पहले ही मम्मी ने रखे हुए थे तो मैं उन्हीं को यूज कर रही हूँ. आई हैव माई कॉर्न स्टार्च, देन आई हैव माई ठंडा पानी जिसमें कि नूडल्स बॉइल करके डाल दें. माई सोया सॉस हियर, माई टोमेटो केचप, मेरा गार्लिक फॉर द तड़का एंड माई मसाला जो भी रेगुलर मसाले होते हैं. तो अभी मैं अपने पहले पोटैटो को मैश कर लूंगी यूजिंग दिस मैशर. तो मेरे पोटैटोज प्री बॉइल्ड थे, आई होप इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो रेसिपी में पोटैटो यूज किए थे वो थोड़े ज्यादा मुशी थे बट मेरे थोड़े से ड्राई हो गए. बट एनीवे
अब मेरे पोटैटो मैश हो गए हैं, अब मैं इसमें डालूंगी कॉर्न स्टार्च एंड इसके बाद हमें इसका डो नीट करना है, फिर उसके बाद हम इससे जो मशरूम शेप के नूडल्स थे वो बनाएंगे। आई डोंट नो कितना कॉर्न स्टार्च डालना है, यही दिक्कत है वायरल रेसिपीज की, वो लोग इंग्रेडिएंट्स तो बता देते हैं पर मेजरमेंट्स नहीं बताते हैं ढंग से, एंड मैंने इसकी कोई लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखी नहीं, बट अभी मैं इसको आईबॉल करके करूंगी। तो मेरा डो रेडी हो गया है एंड इसको बनाने में मेरे को ऑलमोस्ट भी नहीं तो 10 से 12 चम्मच कॉर्न स्टार्च लग गया। ओके, तो अब हमें इसको शेप करना है, छोटे छोटे ऐसे स्फीयर बनाना है एंड देन उसके बाद हमें बॉटल या बॉटल का कैप लेके इसके सेंटर में आप ऐसे पुश कर देना, बॉटल से ज्यादा इजीली हो जाएगा एंड यू हैव टू गिव इट लाइक अ मशरूम शेप। तो फटाफट से बना लेते हैं। तो अभी मेरे सारे पोटैटो नूडल्स तो नहीं, मशरूम जैसे बनके तैयार हो गए और मैंने पानी बॉईल कर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऑयल डाल लिया है और अब हमें इसे बॉईल करना है थोड़े टाइम के लिए, बट क्योंकि पोटैटोज ऑलरेडी कुक्ड है, बॉइल्ड है पहले से ही, तो ज्यादा देर के लिए नहीं करना है, बट ये जब ऊपर फ्लोट होने लग जाएंगे दैट मीन्स कि ये हो गए हैं। उन लोगों ने तो बोला कि 2 मिनट के लिए करना है, सो लेट्स सी ये कितनी देर में हो जाते हैं। सो अभी अबाउट 2 मिनट से ये बॉईल हो रहे हैं एंड आप देख सकते हो कि ये ऊपर आने लगे हैं, सो दैट मींस ये हो गए हैं। यहाँ पे मैंने ठंडा पानी लिया हुआ है, उन्होंने तो आइस वाटर लिया था बट सर्दियों में मेरे घर में अभी आइस है नहीं तो मैंने ठंडा पानी लिया है कि वैसे ही ठंडा हो रखा है काफी। तो अभी मैं इसको इसमें डाल दूंगी एंड देन हम इसकी जो सॉस है वो प्रिपेयर करेंगे। हम इसकी जो सॉस है मतलब जिसमें हम इसको वो क्या जिससे फ्लेवर्स आएंगे वो बना रहे हैं, तो उसके लिए मैं इसमें डालूंगी, ढक्कन से डाल रहा हूँ, अराउंड 1.5 ढक्कन सोया सॉस एंड देन मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा केचप, मुझे केचप ज्यादा पसंद नहीं है तो थोड़ा ही डालूंगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, ज्यादा तो नहीं देगा, बस 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 फिर कम हो गया तो नहीं। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, अब हम उसमें तड़का डालना है तो मैंने अभी ऑयल गरम कर लिया है एंड इसमें मैं डालूंगी गार्लिक एंड ये थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा, आई लव द सिजलिंग साउंड, और गार्लिक से काफी अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है एंड इसका अरोमा भी काफी अच्छी लगती है। सो अभी इसको थोड़ा सा ब्राउन करके हम उसमें डाल देंगे एंड नाउ द फाइनल स्टेप, अपने पोटैटो नूडल्स इसमें डाल लो स्ट्रेन करके। सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, दिखने में तो मुझे उतना ज्यादा एपेटाइजिंग नहीं लग रहा है बट लेट मी टेस्ट इट। मेरे जो पोटैटो नूडल्स हैं वो बहुत ज्यादा मोटे मोटे से बन गए हैं तो उनके अंदर तो बिल्कुल कोई फ्लेवर नहीं है, फ्लेवर की कोटिंग बस बाहर ही है, तो मैं इसमें डिप कर करके खा रही हूँ। फ्लेवर अच्छा है बट नॉट समथिंग दैट आई वुड मेक, सो आई वुड रेट इट लाइक मे बी 6/10 क्योंकि टेस्ट तो अच्छा है बट वही है कि मसाला अंदर तक बिल्कुल नहीं गया, मुझे काफी मसालादार खाना पसंद है। सो आप एक बार ट्राई कर सकते हो बट एक ही बार के लिए ज्यादा उतना खास है नहीं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपने पहले कभी ट्राई किया है या नहीं, और अगर आप करोगे तो आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताओ। ओके सो गाइज ये है नेक्स्ट डे, क्योंकि कल हम लोगों को काफी ज्यादा लेट हो गई थी सारी रेसिपी शूट करने में, तो अभी मैं 2 रेसिपी बची है जो मैं आज ट्राई आउट करने वाली हूँ एंड ऑल्सो जो पोटैटो वाली रेसिपी थी उस पर थोड़ा सा वर्डिक्ट चेंज हो गया, मैंने उसको फेंक दिया था बिकॉज वो सही में 2-3 खाने के बाद बिल्कुल खाया नहीं जा रहा था। I don't know how it got viral but it would be a 2/10 for me क्योंकि फिर भी लाइक इट वॉज एडेबल सो इसलिए 2 दे देते हैं। दिस इज द फर्स्ट गिव अवे ऑफ माई बर्थडे सीरीज एंड द रूल्स आर प्रीटी सिंपल, यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, कॉमेंट बिलो सेइंग व्हाट वॉज योर फेवरेट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो एंड यू विल गेट अ बोनस एंट्री इफ यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड शेयर दिस वीडियो ऑन योर स्टोरीज टैगिंग मी। सो अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, सो दिस इज द नेक्स्ट रेसिपी, दिस इज अ रादर स्वीट वन एंड आई थिंक बचपन में सभी लोगों ने ब्रेड बटर को ऐसे टोस्ट करके मिल्क में डिप करके खाया हुआ है, ये उसी का फैंसी वर्जन है। सो लेट्स मेक इट ब्रेड पैनकेक्स।
सो यहाँ पे मेरे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं। आई हैव माय बटर, माय मिल्क, ब्रेड और हनी। तो स्टार्ट करते हैं। आप हनी की जगह पे शक्कर, गुड़ या फिर चीनी भी ले सकते हो नॉर्मल। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं मीडियम फ्लेम पे अपने ब्रेड को दोनों साइड बटर लगा के टोस्ट कर रही हूँ। तो आपको इसी कलर को अचीव करने तक इसको टोस्ट करना है। एंड आप इसमें धीरे धीरे मिल्क डालना। तो इसमें ऑलमोस्ट अबाउट अ कप ऑफ मिल्क यू हैव टू यूज, बट थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे जैसे अब्जॉर्ब होगा वैसे वैसे थोड़ा और डालते रहेंगे। एंड इसी तरीके से मैं अपना पूरा ये वाला जो कप है इसको इसमें अब्जॉर्ब कराऊंगी। A few moments later. तो आप देख सकते हो मेरी ब्रेड ऑलरेडी बहुत ज्यादा सॉगी हो गई है, तो मैंने इसीलिए 1 कप पूरा नहीं यूज किया, मैंने 1/2 कप ही मिल्क डाला। अब मैं इसमें थोड़ा सा हनी डाल दूंगी, मुझे पता नहीं है कितना डालना है, तो मैं आई बॉल कर रही हूँ। एंड नाउ आई विल कुक इट अंटिल द मिल्क इज ऑल अब्सॉर्ब्ड। काफी ज्यादा सॉगी हो गया है, इसको उठा के प्लेट पर ट्रांसफर करना काफी मुश्किल लग रहा है। एंड हियर वी हैव इट। ऑनेस्टली मुझे तो ये बिल्कुल एपेटाइजिंग नहीं लग रहा है। एंड लेट मी ट्राई इट, अगर ये अच्छा हुआ तो जिनको भी स्वीट टूथ है उनके लिए बहुत ज़्यादा क्विक डिजर्ट ऑप्शन हो सकता है ये। इट इज टेस्टिंग लाइक शाही टुकड़ा, उसके जैसे इसका टेस्ट हो रहा है। एंड ऑनेस्टली मैंने थोड़ा सा हनी कम डाला बिकॉज मुझे मीठा ज़्यादा पसंद नहीं है, सो इट इज़ परफेक्ट फॉर मी। बट आप अपने हिसाब से इसकी स्वीटनेस ऑल्टर कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्ट ऑप्शन है और बहुत क्विक भी बन जाएगा। एंड बिकॉज इसकी स्वीटनेस बिल्कुल मेरी स्वीटनेस लेवल को मैच कर रही है, तो मैं इसको बिल्कुल सही में फिनिश करूंगी अभी। एंड आई रियली रियली लाइक इट, आई वुड गिव इट अ 9 out of 10। आप लोग बिल्कुल इसको बना सकते हो एंड इट इज डेफिनेटली वर्थ द हाइप। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट रेसिपी ऑफ दिस वीडियो एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग वंस। ये है जो वायरल रामन नूडल्स की रेसिपी चल रही है। सो मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे 2 packets रामन। ऑनेस्टली मैंने ये कभी ऑन इट्स ओन ट्राई नहीं किया है, तो मुझे पता नहीं है कि इसका ओरिजिनल टेस्ट कैसा होता है। बट मैंने सोचा कि चलो इसको बाद में ट्राई कर लेंगे, पहले वायरल रेसिपी ही ट्राई कर ली जाए। तो मैंने यहाँ पे नूडल्स बॉयल होने रख दिए। नूडल्स के अलावा उस पैकेट में ये 2 छोटे packets और आए थे, इसमें ड्राइड वेजिटेबल्स हैं एंड इसमें सूप बेस है। सो अपेरेंटली ये नूडल्स काफी ज्यादा स्पाइसी होते हैं, मुझे नहीं पता कि कितना स्पाइसी होता है। मैं अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसको शॉर्ट्स में ट्राई करके आपको बताऊंगी मुझे कैसा लगा, तो कॉमेंट करना, मैं वो शेयर करूंगी। बट अभी के लिए टू बैलेंस द स्पाइस एंड टू मेक इट मोर फ्लेवरफुल, इस रेसिपी में क्या है कि हमने एक बोल में लिया है थोड़ी सी मेयो एंड गार्लिक। और अब हम लोग ये जो इसके 2 packets आए हैं, ये जो 2 packets आए हैं इसको इसमें एम्प्टी कर देंगे। ओके, दैट बीइंग डन, इसमें हमें एक एग क्रैक करना है। अब हम इसमें एक अंडा क्रैक करेंगे एंड अब हमें इसे पूरा साथ में मिक्स करना है, तब तक जब तक ये सारे इंग्रेडिएंट्स एग के साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो ये अभी हमारा सब कुछ साथ में कंबाइन हो गया, तो अब हमें क्या करना है, हमें नूडल का जो ब्रॉथ है इसको धीरे धीरे करके इसमें डालना है एंड यू हैव टू कीप मिक्सिंग इट, इससे हमारा जो एग है वो कुक हो जाएगा धीरे धीरे। एंड इसको तब तक करना है जब तक हमें इसकी कंसिस्टेंसी और कलर मतलब वो वीडियो जैसा ना लगने लग जाए। सो नाउ विल डू दैट। सो अभी मैंने इसमें नूडल्स डाल दिए हैं, दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो काफी सारे डिफरेंट तरीके से वो प्रेजेंट करते हैं इस पे, वो लोग यू नो सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स और वेजिटेबल्स, एवोकाडो, पता नहीं क्या क्या ऊपर से गार्निश करते हैं। बट अभी के लिए आई जस्ट वांट टू ट्राई इट आउट एंड मेरी लाइकिंग के अकॉर्डिंग ये थोड़ा ज्यादा सूपी है। आई लाइक माय नूडल्स ड्राई बट स्टिल आई विल ट्राई इट आउट कि ये कैसा है। एंड ऑनेस्टली मुझे इसके ओरिजिनल का तो टेस्ट पता है नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं इससे ऑब्सेस हो जाऊं बिकॉज कम ऑन, ये 110 रुपए का 1 packet नूडल का, इतने में मेरी 10 packet मैगी आ जाएंगी। ओ माय गॉड, ये नूडल ही अपने आप में इतने ज्यादा अच्छे टेक्सचर के हैं एंड द फ्लेवर इज ऑसम। एंड बिकॉज मैंने इसमें
बर्गर में ही तंदूरी में वो डालते हो तो उसकी वजह से भी फ्लेवर काफी नान सो क्या है एंड द स्पाइसीनेस मतलब बिल्कुल चटपटा एकदम जैसे मुझे खाने की चीजें पसंद है ना ये वैसा है. ओह माय गॉड अब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती इसको ओरिजिनल टेस्ट कैसा है बिकॉज ऑब्वियसली मेयो के बिना ये ज्यादा तीखा लगेगा एंड आई लव इट गाइज. यू जस्ट हैव टू ट्राई इट आउट. इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि कच्चा अंडा डाला था बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज्यादा बॉइलिंग वाटर से वो तो पक ही गया एंड वेरी वेरी क्रीमी एंड रिच टेक्स्चर आ रहा है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है. सो आई विल गिव दिस रेसिपी अ फुल 10/10 इन फैक्ट 11/10 आई लव्ड इट. अगर ये आपने ट्राई नहीं किया ना ये आपको ट्राई करना जरूर बनता है. सो आई विल साइन अप फ्रॉम दिस वीडियो एंड फिनिश माई रामन बोल. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो यू नो द ड्रिल लाइक दिस वीडियो कमेंट करके नीचे बताना आपको कैसी लगी है वीडियो और अगर कोई वायरल रेसिपीज हैं जो आप लोग देख रहे हो और चाहते हो कि मैं ट्राई करूँ सो आई विल डेफिनेटली मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो. सारे लिंक्स मुझे नीचे दे देना रेसिपीज की एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई देम आउट एंड अगर और कोई वीडियो आप चाहते हो मैं करूँ तो वो भी कॉमेंट्स में जरूर बताना. अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो एज अ बर्थडे गिफ्ट प्लीज हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड द नोटिफिकेशन बेल राइट नेक्स्ट टू इट. सो आई विल सी यू टुमारो अगेन एट 6 PM विद अ ब्रांड न्यू वीडियो. सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी. बाय बाय.